यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय, आई एम एसपी सिंह। आज मैं लेकर आया हूँ आपको एक से लेकर 100 तक की संख्याओं का घन क्यूब निकालने की शॉर्ट ट्रिक यानी बेहतरीन टेक्निक। तो इसकी सहायता से आप एक से लेकर 100 तक के क्यूब घन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक से लेकर 9 तक के घन याद होने चाहिए। ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए, आप एक से लेकर 9 तक के घन याद कर लीजिए। इनकी हेल्प से आप 100 तक के घन यानी कि क्यूब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहली संख्या ले रहा हूँ, यहाँ पर 30। अब देखिए इसका क्यूब निकालना, तो रूल्स को समझिए जरा। रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि आपको 3 डंडे खींचने, कितने डंडे खींचने? 3। इसका क्यूब यहाँ लिख देना 1 का, तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1। तो इसे आपने यहाँ लिख दिया, और इधर वाले नंबर का क्यूब इधर लिख देना, तो 3 का क्यूब कितना है देख के बताइए? 27। अब अगला स्टेप समझिए, पहले नंबर का वर्ग करना है और दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, जो भी आ जाए उसे यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ पे दूसरे वाले नंबर का वर्ग करना है और पहले वाले से मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आ जाए यहाँ पे लिख दीजिए। अब जरा समझिए अगला स्टेप, इसको डबल कर दीजिए ऐसे करके, एक लाइन खींच दीजिए और देखिए ये आंसर आपका आने वाला है। यहाँ पे जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, इकाई वाला नंबर है, केवल वो आपको लिखना है। ये वाला नंबर उठा के यहाँ पर रख देना है, तो 8 और 9 17 2 19 का 9 इसे लिखा के हमने यहाँ रख दिया। इसे जोड़ के यहाँ नहीं लिखना, यहाँ पर लिखना है, ये खास बात ध्यान देने वाली है। मैंने ग्रीन से दिखाया जो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 6 3 9 और 2 11 का 1 और यहाँ पर ये रख दिया। तो यहाँ पे 6 3 यहाँ पे 1 आएगा, देखिए 6 3 9 2 11 का 1 और 1 1 2, ये हो गया आपका 13 का क्यूब। तो इस तरह से आप जो है किसी भी संख्या का जो क्यूब है वो इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं एक अगली संख्या क्यूब निकाल कर दिखा रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले आप मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, जब मेथड समझ में आ जाएगा तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी किसी भी संख्या यानी 1 से लेकर 100 तक की संख्या का घन क्यूब विद इन 5 सेकेंड के अंदर निकाल। अगर आपको मैट्रिक्स समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा फिर इस मैट्रिक्स को बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा तो फिर प्रैक्टिस करके आप इसको बहुत क्विकली बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। तो मैट्रिक्स देखिए वही है, जरा ध्यान से बताएंगे। पहले क्या करा था बताइए? पहले तो 3 लाइन खींचनी है, ऐसे 3 लाइन खींच गई, उसके बाद इस नंबर का यहाँ पे क्यूब लिखना और इस नंबर का यहाँ पे क्यूब लिखना। ये देखिए मैंने कहा था इनको याद कर लीजिए, अभी फिलहाल मैं लिख देते हैं। अब इसका वर्ग करना, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, इनकी गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसका वर्ग करना और इनकी गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिए। अब अगला स्टेप बताइए क्या है? इसका डबल कर दीजिए, इसका भी यहाँ पे डबल कर दीजिए, ये लाइन खींच दीजिए। अब देखिए जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, जो इकाई वाला नंबर है, केवल ये यहाँ पर आपको लिखना है, ये वाला उठा के यहाँ पर उतार देना, ये हो गया 2। ये जोड़ा कहाँ लिखना? यहाँ पर 10 5 15 1 16, तो ये आ गया 6 6 2 8 4 2 6 1 7, 8 7 हो गया 15। यहाँ पर देखिए आंसर आ गया, 5 सेकेंड के अंदर आप इसका क्यूब निकाल सकते हैं, बस इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है 15625। आप कैलकुलेटर से इसको निकालते हैं 42 का क्यूब। मैं समझता हूँ आपको मेथड समझ में आने लगा होगा, नहीं आया तो एक बार फिर देख लीजिए, मेथड को समझिए। मेथड समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ देखिए वही 3 डंडे खींचने, 1 2 3, उसके बाद इसका क्यूब यहाँ लिख दीजिए, 4 का क्यूब कितना है? 64। इस नंबर का क्यूब यहाँ पर लिख दीजिए, 2 का क्यूब कितना है? 8। 0 को ना भी लिखो कौन चल जाएगा। उसके बाद क्या करना? इसका वर्क करना 16 और अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, तो 16 2 32। यहाँ पे क्या करना? इस वाले नंबर का वर्क करना और इस पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करनी, जो भी आया इसको लिख देना है। इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए, देखिए आंसर आने वाला है। आंसर देखिए पहला नंबर 8 6 2 8 3 और 1 4, इसे यहाँ लिखना, 4 2 6 4 10 6 3 9 1 10, और देखिए ये आंसर आपका आ गया। लो जी ये आ गया आंसर 7 4 0 8 8, ये आंसर आ गया 42 का क्यूब। कैलकुलेटर चेक कर लीजिए, 3 का क्यूब। रूल्स वही है, 3 डंडे आपको खींचने ऐसे,
इसका क्यूब यहाँ पे लिख दीजिए 6×6=236 216, और इसका क्यूब आप यहाँ पे लिख दीजिए 3×3=927, 6 का वर्ग कर लीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 108। उसके बाद 3 का वर्ग कर दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 54। इसका डबल कर दीजिए 216 और ये 108, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो हमें केवल जो इकाई का अंक है वो हमें यहाँ पे लिखना है, इसको उठा के यहाँ पे लिख देना 8×4=12, 14×6 10×5=15, 116, 6×8=14, 6×20=0, 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे इसे लिखना 1, 2, 4, 2 और 1, 3, 6×4=0, 5, और ये आंसर आ गया। मिला लीजिए आंसर कैलकुलेटर से, आपका आंसर यही आएगा। देखिए 92 का क्यूब, तो 92 का क्यूब कैसे करते हैं जरा समझेंगे। 92 का क्यूब तो रूल्स वही है, 3 डंडे आपको खींचने हैं। पहले पे यहाँ पे इसका क्यूब लिख देना, यहाँ पे इसका क्यूब लिख देना, 9 का क्यूब कितना 729। अब इसका आपको बताना है आगे आगे। हाँ जी, क्या होगा इसका 9 का बताइए, 9×9=81 और 2 से गुणा, 2×2=2, 2×8=16। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका वर्ग करना और 9×4=36। अब अगला स्टेप इसका डबल करना, 162 का डबल, 2×2=4, 2×6=12, 2×2=1=3, ये होगा 36×2=72। अब देखिए समझ में आ गया होगा मेथड, क्या लिखना बताइए यहाँ पे। यस, और यहाँ पे 6×2=8, 7×3=10, इससे जोड़ के आगे लिख देना, यहाँ जोड़ना है 6, ये जोड़ा कहाँ लिखना, यहाँ पर देखिए 4×6=8=9 और 3×1=4, 9×9=18, 4×2=6=1=7, और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका देखिए 7×7=8, 6×8=8, ये आपका आंसर आ गया। आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं। अगर देखिए आपको मेरी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है, मेथड समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो आपके फ्रेंड हैं उनको शेयर भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो, मस्त रहिए, जय हिंद।